आशा रेडी का सच में हो गया है ब्रेकअप। वरुण धवन और माता सीता के बीच में आखिर है कितने कनेक्शन। इसके बाद ट्विंकल खन्ना ने 25 साल पहले ऐसी कौन सी बात कह दी तो अब हो गई है सर। तो यही हेलो गाइस, वेलकम टू वन वर न्यूज। मैं हूं आपके साथ पारुल एंड आई होप कि आप लोगों को लॉकडाउन का जो टाइम है वो बहुत अच्छे से आप लोग स्पेंड कर रहे होंगे। ऑफकोर्स फैमिली टाइम हमें बहुत दिनों के बाद मिला है, लेकिन यार ये जो लॉकडाउन के दौरान पोछा झाड़ू करना है इट हैज बिकम अ न्यू कूल। और हम जैसे जो लोग गॉसिप लवर्स हैं उनके लिए ये टाइम थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं मिल रही हैं। जैसे कि हमें बॉलीवुड के दीवार के ब्यूटिफुल एयरपोर्ट लुक देखने को नहीं मिल रहे हैं, थिएटर्स में मूवी रिलीज नहीं हो रही है, लव बर्ड्स घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो मोटा मोटा ऐसा है कि हमारे पास गॉसिप की कमी है, पर वो कहते हैं ना जहाँ राह होती है वहाँ राह होती है। ऐसा नहीं है कि अगर गॉसिप्स नहीं मिल रही तो हम निकालते नहीं हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो गॉसिप्स जो कि इस समय चल रही हैं और क्या कुछ चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में। तो क्या ऋत्विक और आशा नेगी का सच में हो गया है ब्रेकअप? वरुण धवन और माता सीता के बीच में आखिर है कितने कनेक्शन? इसके बाद ट्विंकल खन्ना ने 25 साल पहले ऐसी कौन सी बात कह दी जो अब हो गई है सच? तो यही सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी उन सेलेब्स की जिन सेलेब्स का बर्थडे लॉकडाउन के दौरान पड़ा है। देखिए दुखी हैं वो लोग जिन लोगों का बर्थडे लॉकडाउन के दौरान पड़ा है, लेकिन उनसे भी ज्यादा दुखी वो लोग हैं जिनकी शादियां भाई लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हुई। बाय गॉड उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो सबसे ज्यादा दुखी हैं। लेकिन आपको फटाफट से बता देती हूँ कि ये जो समय है 3 मई तक का, उस बीच किन किन एक्टर्स का बर्थडे पड़ने वाला है और वो जो है अपना बर्थडे लॉकडाउन में सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी 24 अप्रैल को यानी कि वरुण धवन का बर्थडे है और उसी दिन सचिन तेंदुलकर का भी बर्थडे होता है। तो ये लोग अपना बर्थडे इस बार लॉकडाउन में जो है वो करने वाले हैं सेलिब्रेट। इसके अलावा मेरे पास लिस्ट है कि और किस किस का बर्थडे पड़ रहा है। अरिजीत सिंह, जी हाँ तुम ही हो, इनका बर्थडे भी ना लॉकडाउन के दौरान ही पड़ेगा। इनका बर्थडे होता है 25 अप्रैल को और इस बार ये गाना अपना बर्थडे पे आराम से अपने घर में चल करेंगे और गाने गाएंगे, क्या बात है। तो इस बार ये भी अपना बर्थडे लॉकडाउन में सेलिब्रेट करेंगे। इसके अलावा माता सीता का जिन्होंने रोल प्ले किया है दीपिका जी, क्योंकि जब से रामायण का ये टेलीकास्ट शुरू हुआ है इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इनके और वरुण धवन के बीच में यही कनेक्शन है कि दोनों का बर्थडे लॉकडाउन के बीच में पड़ रहा है। इनका बर्थडे होता है 29 अप्रैल को और ये इस बार अपना बर्थडे लॉकडाउन में सेलिब्रेट करने वाली हैं। उसके बाद 1 मई को अनुष्का शर्मा का बर्थडे है। आपने वो वीडियो देखी क्या जो वायरल हो रही थी कोहली? तो इस बार कोहली और अनुष्का को एकदम प्राइवेट टाइम मिलने वाला है और वो अपना बर्थडे इस बार कोहली के साथ 1 मई को लॉकडाउन में सेलिब्रेट करेंगे। कोहली चौका मार ना, चौका क्या कर रहा है? ए कोहली चौका मार। इसके बाद राधिका मदान का बर्थडे भी 1 मई को है और वो भी लॉकडाउन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर पर नजर डालते हैं, वो ये कि क्या आशा नेगी और ऋत्विक का हो गया है सच में ब्रेकअप? भाई देखिए ये खबर जब से आई है उनके फैंस को लगा है बड़ा झटका, क्योंकि दोनों को बहुत प्यार मिला। पवित्र रिश्ता से दोनों का ये जो सफर था वो शुरू हुआ, दोनों ने अपना रिश्ता पब्लिक भी कर दिया था, लेकिन थोड़े दिन पहले ऐसी खबरें आई कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और ऐसे में उनका ब्रेकअप हो गया। हालांकि दोनों में से किसी ने भी ये बात ऑफिशियल नहीं करी है, पर आप अगर उनके इंस्टाग्राम पेज को देखेंगे जितने भी पोस्ट वो शेयर कर रहे हैं उससे ये अटकलें फैंस लगा रहे हैं कि अब ये दोनों साथ में नहीं है। फिलहाल उनके बीच में क्या हुआ था और क्या नहीं ये तो वही जानते हैं, पर ऋत्विक ने जैसा कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि सबकी जर्नी अलग होती है, तो बेहतर यही होता है कि सही समय पे अपने रास्ते जो है वो अलग कर देने चाहिए। तो ये बात हमारे सोर्सेज ने सच बताई है कि हाँ कपल के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और ये बात 1 महीने पुरानी है और शायद से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, उन्होंने अपने रास्ते जो है वो अब अलग कर लिए हैं। तीसरी खबर वो जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ट्विंकल खन्ना, जी हाँ हमारी बादशाह वाली एक्ट्रेस ने कुछ ऐसी बात 25 साल पहले गई थी, उनकी वो चार्ट जो है वो वायरल हो रही है। 25 साल पहले रेड एफ पे वो पहली बार लाइव गई थी तो फैंस ने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। उस दौरान उनसे किसी ने सवाल पूछा कि 10 साल बाद वो अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया था कि उनके 2 बच्चे होंगे, 1 डॉग होगा और प्रॉब्ली शायद से पति भी होगा।
तो वो पति के लिए थोड़ा कंफर्म नहीं थी, लेकिन उनके पास आज एग्जैक्ट वही लाइफ है जैसा कि उन्होंने प्रिडिक्ट करी थी। उनके पास डॉग है, दो बच्चे हैं, लविंग हस्बैंड है और उनका कैंडल का बिजनेस है और वो बहुत खूबसूरत लिखती है। तो भाई वाह, वो यही कहते हैं कि जैसा आपने सोच लिया वैसे ही आपके साथ होता है। वही शाहरुख खान जी का डायलॉग यहाँ पे आता है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ ट्विंकल खन्ना के साथ। तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड अपडेट। मैं आपके पास ऐसी बॉलीवुड खबरें लाती रहूंगी, चाहे घर हो, ऑफिस हो, लॉकडाउन हो या ना हो। एंटरटेनमेंट का बाजार हमेशा गर्म रहना चाहिए और आप तक खबरें पहुंचती रहनी चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।